इस वीडियो में हम देखेंगे राजमा कैसे बनाते हैं। एक कप राजमा लिया है। राजमा को पूरी रात पानी में भिगो लेंगे। अगर आप जल्दी में हैं तो इसको गर्म पानी में 5-6 घंटे भिगो लीजिए। राजमे को हमने पूरी रात भिगो लिया है। देखिए फूल के डबल हो गया है। राजमा को उबालने के लिए इसको एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। राजमा में हम पानी इतना रखेंगे कि राजमा पानी में अच्छे से डिप हो जाए। राजमा में 1 चम्मच नमक डालेंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। 4 सीटी आने तक राजमा को पका लेंगे। कुकर में प्रेशर खत्म हो गया है। कुकर का ढक्कन खोल के राजमा चेक कर लेते हैं। देखिए राजमा अच्छे से गल गया है। अगर आपका राजमा गलता नहीं है तो 1 सीटी और लगा लीजिए। एक कढ़ाई ली है, इसमें 3 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 3-4 पिंच हींग डाल देंगे। दोनों को अच्छे से भून लेंगे। हींग जीरा दोनों भून गए हैं, अब इसमें बारीक पिसा हुआ 1 प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज हल्का सा भून गया है, अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी भून लेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए। यहाँ पर 1 टमाटर और हरी मिर्ची की प्यूरी डाल देंगे। वो शॉट गलती से डिलीट हो गया है। एक मिनट हो गया है टमाटर को भूनते हुए। अब मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक हमने राजमा जब बॉईल किया था तब भी डाला था, तो याद रखिएगा नमक मसाले में थोड़ा सा कम पड़ेगा। हल्का सा पानी ऐड करेंगे। मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इनसे तेल छूटना शुरू ना हो जाए। मसालों से तेल छूटना शुरू हो गया है, अच्छी खुशबू भी आने लगी है, यानी कि मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें उबला हुआ राजमा डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा कप पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी पतली आपको ग्रेवी पसंद हो। राजमा को 5 मिनट तक पकने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं राजमा को पकते हुए। अब इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। राजमा में 1 उबाल और आने देंगे, जिससे कि गरम मसाले का फ्लेवर राजमा में निकल के आ जाए। राजमा में उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। राजमा को एक बाउल में निकाल लेंगे। राजमा सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।